गाइज गुड इवनिंग, मैं हूं दीपाली पटेल, एंजल दीप पटेल चैनल में आपका स्वागत है। गाइज आज हम बनाने वाले हैं चिकन हरियाली। तो ये मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, अच्छे से धो के लेना है आपको, ओके। उसके बाद आपको ये जो मसाले हैं उससे आपको मैरिनेट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या क्या है। ये है जीरा पाउडर है, उसके बाद ये है हल्दी पाउडर, इसके बाद ये है धनिया पाउडर, उसके बाद ये है गरम मसाला, उसके बाद ये है नमक, उसके बाद ये है लेमन जूस, और ये 2 चम्मच दही है। तो ये हम इसमें मिक्स करके जो है वो चिकन मैरिनेट करके लेते हैं पहले। चलिए ये देखिए, पूरा एक स्टेप्स को मिक्स करना है और इसमें आपको ऐसे डालना है, ओके। उसके बाद आपको ये जो लेमन जूस है, ये आपको लेमन जूस इसमें डालना है, और फिर आपको ये जो दही है 2 चम्मच, ये दही आपको डालना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके लेते हैं, इसको आपको मिक्स करके लेना है अच्छे से। गाइस जो दही है ना, दही लेते टाइम आपको बिना पानी वाला लेना है, मतलब एकदम घट्ट दही लेना है, क्योंकि ऑलरेडी चिकन जो है ना वो पानी छोड़ता है धोने के बाद। तो आपको ध्यान रखिए कि जो चिकन ले रहे हैं वो पानी बिल्कुल भी उसमें नहीं रहना चाहिए, और जो दही ले रहे हैं उसमें भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम घट दही ले लीजिए आप। तो ये देखिए, ये हमें ऐसे मिक्स करके रखना है अच्छे से। इसको आपको ऐसे ही आधे घंटे के लिए रख देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो ग्रीन मसाला है, वो हम लोग चिकन हरियाली के लिए जो मसाला मेन मसाला है, उसमें क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। ये धनिया लिया है मैंने, उसके बाद पुदीना लिया है, उसके बाद 4 मिर्च ली है, थोड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है, और लहसुन लिया है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्सी में बारीक करके लेते हैं। अभी आपको मिक्सर की जो जार है, मिक्सर जार में आपको पहले चीज़ें डालनी है। ये मैंने धनिया डाल दिया, उसके बाद ये पुदीना डाल दिया, उसके बाद ये लहसुन की कलियां में डाल दूंगी इसमें, उसके बाद आपको डालना है अदरक, और उसके बाद आपको 4 मिर्च डालनी है। मिर्च के टुकड़े करिए, नहीं तो फिर वो बारीक चॉप नहीं होगा, ओके। अब हम इसको अच्छे से चॉप करके ले लेते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, मसाला हमारा बारीक करके हो गया है, देखिए। अब हम ये जो मसाला है वो हम इसमें चिकन में जो मैरिनेट करने के लिए रखा है उसमें हम पूरा ऐड कर लेंगे। ये जो मसाला है ना गाइस, ये आपको इसको अच्छी तरह से लगा के लेना है, ठीक है। आपका जो चिकन है वो उसको आपको इसके अच्छे से, उसको चिकन जो चिकन के जो पीसेस है उसको आपको अच्छे से लगा के लेना है। एक घंटे के लिए आपको वो गाइस मैरिनेट करके रख देना है, ठीक है। एक घंटे के बाद हम लोग मिलते हैं। गाइस एक घंटा हो गया हमारा, देखिए चिकन कैसा दिख रहा है। अभी हम इसको शैलो फ्राई करके ले लेते हैं। देखिए मैंने तवा रख दिया है और अब मैं गैस चालू करूंगी। गैस चालू करते गाइस, थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें तेल जो है वो अच्छे से लगा के लेंगे। उसको तेल जो है वो आपको इसे डाल के लेना है। तेल में आपको कंजूसी नहीं करना है गाइस, तेल आपको अच्छे से लगा के देना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे।
गाइस गैस की जो फ्लेम है ना वो फास्ट ही रखनी है आपको, याद रखिए ठीक है। थोड़ा आपको इससे हिलाना है ताकि जो तेल है ना वो अच्छे से लग जाए। गाइस गैस की फ्लेम आपको कम करनी है और आपको ये इसे पलट के लेना है ठीक है। देखिए गाइस थोड़ा आपको इसे तेल भी डालना है, थोड़ा आप उसको ऐसे हिला के दे सकते हैं। गाइस देखिए हमारा चिकन हरहरी कैसा दिख रहा है। अभी ये दो पीस और एक बड़ा लेग पीस हो गया है, अब मैं उसको निकालती हूँ। तो इसके लिए तो टाइम लगेगा ना, तो ये खा लेते हैं ना।